नमस्कार सत्य सकाळ को स्वागत करछि वचनमई मु कमलाकांत आज भी चिन्मय आमे खबर कागज जो प्रमुख खबर रही तापर आलोचना करबा ग्राउंड रे आमो रिपोर्टर मध्य जोडी हेबे द्वितीय पजर आमो सहित जने अतिथि भी जोडी हेबे तबे आज कोन कोन खबर रही चिन्मय कमलाकांत अनेक गुडी खबर रही से खबर गुडी के भितरे आमे जदी देखिबा जे दीपावली परे खुली परे प्राथमिक स्कूल यहाँ गुरुत्वपूर्ण हिसाब से खबर कागज रे खबर टी प्रकाश पाई खबर उपर आलोकपात करिबा या सहित रही जे आज यूजी प्रथम वर्ष श्रेणीगृह पाठ पढ़ाई एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही सहित रही 247 दिन पर सर्वनिम्न संक्रमण सहर से रात्रि कर्फ्यू बलवत्तर र जेहेतु नवेम्बर कोविड रो गाइडलाइन आसी सारी सरकार दे सारी या उपर आलोचना करबा एवं तापर रही जे पार्वण कटकणा मध्य या उपर आलोचना करबा दिव्य ममिता देले राजनीति को नुआ मोड़ वर्तमान राज्य राजनीति जो उष्णता देखा देखि जे खास करी ममिता घटना को लेकर ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही आ सहित रही यूपी रे दलय बैठक में जोगदे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और या सहित रही जलवायु परिवर्तन उपरे G20 नेता सहमति प्रधानमंत्री जेहेतु वर्तमान G20 सम्मेलन में भाग नहीं सहित कौन आलोचना होता ये बाबद आम आलोचना करवा या सहित आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही टीकाकरण बेग कम पलटि चिंता 3-6 राज्य मुख्यमंत्री मोदी करेंगे आलोचना जे जो राज्य में मुख्यमंत्री जो राज्य में टीकाकरण कमी से राज्य मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे जे असुविधा क्योंकि रहा ये खबर उपर नजर पकाइबा प्रथम खबर हिसाब से आम कमलाकांत जाऊँच दीपावली पर खोली पारे प्राथमिक स्कूल जो कथा निश्चित भाव जे गोटे शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण भाव में जब देखिए पूरा भुशुड़ी जाइला आपण कोरोना जेबेठ आसला सेबेठ स्कूल बंद पिलाने पाठ पढ़ी पारे सरकार विकल्प व्यवस्था कले ऑनलाइन एवं पिलाने ऑनलाइन पाठ पढ़ा अनेक प्रकार असुविधार सम्मुखीन होते जो गोटे पाठ पढ़ाई पिलार जो आग्रह थाए रही कारण गोटे डिस्टान्स है कमलाकांत जो आग्रहटा टी कमी कमी जाए और पिलाने अतिशय हो पड़े के स्कूल खोल के पाठ पढ़ा हेब पूर्व से मानको जीवन पुणी थरे आउ थरे आगो को जीव कारण कमलाकांत सब बेले अभिभावक जो मैंने रही से चिंता थाए जे पिला को 3 वर्ष होगा मात्र केमती ताको स्कूल दिया जीव प्री स्कूल दिया जीव ताको पाठ पढ़ा जीव किंतु वर्तमान से सब ठप हो जाए जो मैंने नुआ एडमिशन नेबा चाहूबे से एडमिशन नहीं पार नथिबे जेतु पूरा 1.5 वर्ष रु ऊपर वर्तमान स्कूल बंद अच्छे किंतु खुशी खबर आसुछि जे दीपावली पारे पर्यायक्रमे प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत स्कूल खोलिबा नै वर्तमान गणशिक्षा मंत्री सूचना दे सारे बाबद आलोचना करबा आम सहित आम प्रतिनिधि चिन्मयी जोड़ी होती भुवनेश्वर रु चिन्मयी जानवापी चाहब जे खास करी कौन आलोचना एवं या उपरे जे शिक्षक संघ कौन मत रखुंट जे खास करी केबेठु खोलिब एने किछि आभास मिलुछि कि निहाति भाव में चिन्मय जदि कह पूर्व सप्ताह अष्टम श्रेणीर पिला स्कूल जीप अनुमति मिली अष्टम श्रेणी पिला जाते आज कथा जदि कहे आज यूजी प्रथम वर्ष जो पिलाने से आज क्लास आरंभ होली जहाँ समीर दास शिक्षा मंत्री जी कहते गोटे संभावना अच्छी जदि संक्रमित को देखिकी जेहेतु पार्वण ऋतु चली तृतीय लहर को आखि आगे रखी गोटे डिस्कसन निया गोटे निष्कर्ष पहुँचवा पर आम कहीपर कि पार्वण जमीक दीपावली पर हेत स्कूल खोली पारे प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत मुख्यमंत्री निर्देश को अपेक्षा मुख्यमंत्री कौन सी मुहूर्त यही निष्कर्ष पहुँची पारती कि पिला संक्रमण को आखिरे रखी निष्पत्ति निपे कि प्रथम रु सप्तम श्रेणी पिलाई शिक्षा व स्कूल विद्यालय खोल चिन्मय निश्चित भाव में चिन्मयी किंतु या भितर आउ एक प्रश्न बाची मन में सृष्टि अभिभावक मन में थी जो पर्यायक्रमे कहुची खास कर पर्यायक्रमेटा के समय नहीं पारे 2 मास नहीं पारे 3 मास नहीं पारे कारण आग को नुआ वर्ष आरंभ होगापी जा लोक मैंने ए कथा चिंता करूबे नुआ वर्ष गोटे आम नुआ अध्याय सृष्टि करूँ पाने पाठ पढ़े समस्त गोटे खुशी खबर आसब नुआ वर्ष से समस्त आशा करेंगे कि जे नुआ वर्ष को ही सब पिलांकर स्कूल गुड़िक खोली जाइ सब श्रेणी खोली जाइ पाने पुणी थे आग भि स्कूल को जापर पाठ पढ़ी पारे ए आशा करे कि
निहाति भाव में चिन्मय गोटे कथा कहीपर जेहेतु तृतीय लहरटा विशेषकर शिशु मानी बेस विपज्जनक सहीटा को लक्ष्य कर पार्वण ऋतु जदि ओडार संक्रमित संख्या कथा कह तो ओडार संक्रमण हार ए कम रही किंतु जेहेतु पार्वण ऋतु कौटि ना कौटि गोटे आशंका रही कि संक्रमित संख्या बढ़ी पारे जदि संक्रमित संख्या बढ़ुच्च तेज यह शिशु मानी गोटे विपद सृष्टि करें से आलोचना चली संक्रमण हार को देखिकी निष्पत्ति कौली भाव में पर्याय क्रमे प्रथम रु सप्तम श्रेणी छात्र छात्री मान स्कूल खोल जदि देखा जा संक्रमण हार कम रोची तृतीय लहर में शिशु मानी बेस विपद रोना तेज जा सरकार निष्पत्ति देते प्रथम रु सप्तम श्रेणी पिला पर्याय क्रमे खोल आम आशा करवा कि तृतीय लहर शिशु मानी विशेष क्षतिकारक न हो संक्रमित संख्या कम रो जहाँफल यथाशीघ्र जेहेतु आम कहीपर देढ़ पाखापाखि देढ़ वर्ष है पाने स्कूल जाइना ऑनलाइन घरे रही पाठ पढ़ुंट ऑफलाइन क्लास टोटाली बंद अच्छी आम आशा करवा कि जदि संक्रमण हार कम रोचे तेज पाने स्कूल जापारे और यथाशीघ्र प्रथम रु सप्तम श्रेणी स्कूल क्लास आरंभ हो निश्चित भाव में चिन्मय ए बाबद जी देखा गणशिक्षा मंत्री एक थार्ड लहर आसपार खूब कम संभावना रही जहाँ को आखि आगे रखी परवर्त समय निष्पत्ति बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपंकर तमाम सूचना कमलाकांत परवर्ती खबर उपर नजर निहाती चिन्मय एटा तो गोटे बड़ खबर थिला ता सहित समस्त नजर थिला नया गाइडलाइन कौन आसूची तबे पूर्व भली सहर रे रात्रि कर्फ्यू बलबत्तर रही पूजा पाई स्वतंत्र नियम आ किछ दिन पर निहाती भाबरे स्पष्ट हो जइबो कमलाकांत के एठी कहबा पई चाहिबी जे जेहेतु आमे अति निकट रे दशहरा को कटै छे लोकंक मन रे ये भय मध्ये थिला जेहेतु दशहरा जाय छे ओ पार्वण ऋतु रे अनेक फेस्टिवल गुडीक लोक माने कटै छेंती खास करी हुए त संक्रमित को संख्या बढ़ी पारे आ कमलाकांत ए कथा मध्ये मु निजे जाडी छे जेतबेले आमे मार्केट रे दुई दिन तळे मतलब थरे मार्केट जाईथिली अनेक लोकंकर प्रश्न थिला जे मैडम पुणी आग को मानते सटडाउन फेर लकडाउन फेर एमती कि सूचना आसूच कि तो लोकों मन में से प्रश्न था जे नवेम्बर में कौन गाइडलाइन आसो नि सबू खबर कागज यहाँ प्रमुखतार नहीं देखा पार्वण कटक बलवत्त रही सेपटे देश कथा जो देखा 247 दिन पर सर्वनिम्न 24 घंटे संक्रमण संख्या आसी जोटा कि निहाती भाव में खुशी कथा दिनक 12,000 संक्रमित आसी तेज ओडिशा रे निहाती समस्त आशा थिला जे पार्वण को नहीं कि कौन कटकणा रोची अवश्य ताहा किस दिन पर स्पष्ट होइजबो बाण बिक्री एवं फुटा को नहीं शीघ्र निष्पत्ति होई पारे धर्मानुष्ठान उपरे स्थानीय प्रशासन निष्पत्ति नेबे इमरान खान कटक रु जोड़ी इमरान गोटे पटे पूजा कथा आसुची आ गोटे पटे बाण बिक्री जोटा कि परंपरा रही काली पूजा रे दीपावली रे बाण फुटा जाए तापर मध्य शीघ्र प्रशासन निष्पत्ति नेउची तो बाण व्यवसायी माने भी जो माने अछंती से माने मध्य निहाती चिंता रे थिबे एवं लोक माने जो माने दशहरा जमी चिन्मय कहते दशहर निहाती कटकणा भितर कटिला तो काली पूजा को लेकिन से भली कटकणा रे कटिबो देखो कमलाकांत आप जानते जेहतु समस्त अपेक्षार नवेम्बर गाइडलाइन कौन आसो शासन पक्ष कौन गाइडलाइन में नुआ नुआ कौन सब पर करेंगे ना कौन किसी नुआ कटक लगे कि आप जानते गत मस जहाँ थी गाइडलाइन ताद बलबत्तर रही कौन प्रकार पर बर्तन हो पारना कहीं जानते आप जो पार्वण ऋतु जो अधिक गुरुत्वपूर्ण थे पार्वण ऋतु सरकार कौन पदक्षेप नहीं पारती कहीं जेहतु आगामी समय में दीपावली अच्छी काली पूजा अच्छी और सरकार कौन सब गाइडलाइन आसपे कौन पर्यटन स्पष्ट होना आउ किसी दिन पर स्पष्टीकरण करेंगे सरकार एवं गाइडलाइन जारी करेंगे प्रकृत में काड़ी पूजा और बाण फुटा और बिक्री करवा जो रोचे दीपावली समय किपर भाव में रोज तार स्वतंत्र गाइडलाइन आसो सहित आप जानते जो नाइट कर्फ्यू कथा जब आप देखिए सहरांचल जो नाइट कर्फ्यू रोला रात 10 to 5 ताद बलबत्तर रोज केवल सहरांचल सहित आप जानते जितेबाद अगस्ट 9 तारीख में जो पार्वण ऋतु जो गाइडलाइन सरकार एसआरसी जारी करते मार्गदर्शिका ताद बलबत्तर रही जो अगस्ट 9 तारीख में जो 4 फुट उच्चता विशिष्ट मूर्ति कथ कहतु पर्दा भितर जो पूजा करने कथा कहतु जो से जो निष्पत्ति सरकार नहीं गाइडलाइन जारी करते अगस्ट 9 ताक बलबत्तर बर्तमान रखिंट कि आगामी समय आउ किद पर एसआरसी पक्ष पुणी थे नूतन गाइडलाइन मार्गदर्शिका आसव प्रकृत में पार्वण ऋतु जो काड़ी पूजा और दीपावली कौन रार्गदर्शिका ता सरकार किद पर स्पष्ट करेंगे और सहित तो धर्मानुष्ठान मानक जो पूजा जो रीतिनीति हो जो पूजा पूजा पाठ होती स्वतंत्र गाइडलाइन जो जारी करने कथा जेहेतु गाइडलाइन जारी है कि सीधा सड़क से एसआरसी निर्देश स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन को परिस्थिति देखिकी या खबर कागज प्रकाश पाई खबर ए जनसाधारण प्रश्न
ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାହିଁକି ସରକାର ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। जेहतु चिन्मय आप जानते जेहतु जब आप गत मस गाइडलाइन देखिए से स्पष्ट भाव रही है राजनैतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो समावेश होता है से जो सर्वनिम लोक मैं कार्यक्रम करने सरकार गाइडलाइन जारी करते पाखापाखी शहे लोक से सभा समिति राजनैतिक कार्यक्रम करने अनुमति थी कि कौटना कौटी गत थर आप देखते हैं अनेक उल्लंघन होता है कितु जदि आप देखिए चलित थर जो चलित मसपाई जो गाइडलाइन जारी कर दी से सब कटक लग राजनैतिक समावेश कथ कूँ सांस्कृतिक समावेश कथ कूँ जो सभास्थल कथ कूँ से कौटे कौटे कटक लगी नुआ मार्गदर्शिका आसपार बोली जहाँकि अनुमान बर्तमान कर सहित आप जानते जो बह घर कथ कूँ अंत्येष्टि कथ कूँ से 250 जन लोक अनुमति मिली निश्चित भाव में इमरान या भितर जो मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम करती जिते सब कलाकार रही एक प्रकार मानने कहवाक गले पेट पार्टनर कथ से सब एक प्रकार रोजगार ठप हो सरकार पुणी थे चिंता करिवार मध्य आवश्यकता रही है कटकणा भितर ये सबको पुणी थे आरंभ कर आवश्यकता रही है कारण अनेक समय आम देखुचे जे राजनैतिक स्तर में जेकोसी आप देखते जिते राजनैतिक प्रचार होवा कौन विक्षोभ आंदोलन ये सब आम चित्र देखुचे ओडिशा से बहुत लोक जनसमागम लोक एकाठी होती सेठी जिते प्रतबंधक ना तो सांस्कृतिक कार्यक्रम को कहीं ये साधारण लोकों मनरे प्रश्न उठुचे बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आप तमाम सूचना तबे कमलाकांत परवर्ती खबर पर कोरोना पर जो प्रसंग पूरा राज्य सृष्टि करछि मंत्री दिव्यशंकर मिश्र संप्रति ममिता मर्डर केस रे पूरा राजनीति नुहे पूरा ओडिशा उठुची पड़ुची साधारण जनता भी प्रतिवाद करछंती विरोधी मध्य कैप्टेन को इस्तीफा दाबी करछंती यार भितर निर्भय खबर कागज एक आर्टिकल देछि जहां दिव्य ममिता देले राजनीति को नुआ मोड़ से छबिराणी कथा कही अंजना कथा कही कि राजनीति प्रभावित तो होता सरकार रु कांग्रेस हटि जाइला तेरे वर्तमान जेहेतु जन मंत्री ना सामना को आसूँ से जदि देखा तेरे कांग्रेस तलकर्मी ना सामना को आसला सेपरी जदि देखा आडभोकेट जेनेल कथ आसी कि बीजेडी जड़े मंत्री गृहराष्ट्र मंत्री ना सामना को आसूँ जहाँ को नहीं सारा राज्य विरोध में प्रदर्शन होता भी प्रश्न पचार भितर सब बड़ प्रश्न कैप्टेन वर्तमान भी मुह खोलूना जदि देखा नैतिकता दृष्टि इस्तफा जो दावी करछंती विरोधी साधारण जनता से मध्य पालन करूना तबे तरुण साहू रही बलांगीर तरुण जमती कि एक खबर निहाती भाव राजनीति कथा तो निहाती गोटे पटे जब देखिबा केन्द्र एवं राज्य सरकार को कथा कह जा किंतु साधारण जनता वर्तमान भी प्रश्न करुछंती जदि मंत्री इस्तफा न देबे निरपेक्ष तदंत किभळि हेबो एवं सबुठ बड़ कथा बीजेडी एत बड़ नेता जी की पावर अछंती से थिले तदंत किभळि प्रभावित हेबो सेने तो अभियोग बारंबार हे आसुची किंतु वर्तमान पर्यंत भी तांको इस्तफा कौन पई से देउनांती एवं राज्य सरकार काहेकि निष्पत्ति नउनांती ताकु नै निहाती बड़ प्रश्न सृष्टि होइछे। कमलाकांत ममिता हत्याकांड घटना को लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर रु दक्षिण सारा ओडिशा रे तल स्तर साधारण लोक प्रतिवाद करिबा आरंभ कलेणी एवं विरोधी बीजेपी एवं कांग्रेस तल स्तर रे एसपी ऑफिस घेराव करुछंती एवं साधारण लोकों पाखक जाउछंती जे ए घटना रे कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रंकर इस्तफा दाबी करुछंती पूर्वरु आपण जहाँ प्रकाश करुथुले जे छबिराणी हत्याकांड घटना रे एवं गंजना मिश्र गणदुष्कर्म घटना रे सीधा सड़क दलर लोक बा हेवीवेट नथिले मध्य से तत्काल कांग्रेस सरकार चली जाइथिला जहाँ बीजेडी कुछ से ग्राउंड स्तर में आंदोलन कर सुहाई और सरकार को आसी ठीक से भाया स्थिति वर्तमान ममिता मेहर हत्याकांड घटना को नहीं लोक वर्तमान आलोचना करुं जो भाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रतिदिन आंदोलन करुं सरकार को टार्गेट करुं विरोधी संढ़ुआ से आक्रमण में सरकार पाखे कौन जवाब नहीं मुखपात्र मैंने वर्तमान गायब अच्छा नेता मुह गणमाम सामना को आसुना
किंतु गोटे प्रकार बैकफुट रे पापके 23 दिन हला बीजेडी सरकार अच्छी एवं बीजेडी दल रो नेता माने मध्ये अछंती ममिता मेहर हत्याकांड जते बेले घटिला राज्य रे हईचई सृष्टि कला जे किबिहळी भाबरे गोविंद साहू सनसाइन स्कूल रो मालिक अपहरण कला एवं परवर्ती समय रे हत्या करिछि तापर टिटलागढ़ थाना रु फेरार माइला ए पूरा घटना को आमे प्रथम दिन रो ही अर्गस रे या खबर प्रसारण करि आछु जे किबिहळी ममिता मेहर को अपहरण परे हत्याकांड करा गला एवं हत्याकांड रे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र जे गृह राष्ट्रमंत्री अछंती ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି 526 ଥାନାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘେରାଉ କରିବ ତ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ବିରୋଧ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କହିବା ବାଧା ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି କଥା ନୈତିକତା କଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ରହିଛି ମମିତାଙ୍କୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ ସବୁ ରହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଲାକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଉପରେ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାସ୍ କରି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଭାଜପା ସରକାର ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଥରସ୍ଠାରେ ଏକ ବୈଠକରେ ବା ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଯେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଯଦି ଖାସ୍ କରି କହିବା ଯେ ଇଏ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏ ଯୋଜନାର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଗନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗଗନ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କିଚେନ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଅତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ଚୁଲି କାଠ ଜାଳ ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଯିବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଗରିବ ବା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଆଗରେ କିଏ ରହିଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କିମକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜନହିତକାରୀ ସ୍କିମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଲଢିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ଅନେକ ଯୋଉ ଜନହିତକର ସ୍କିମ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ନାରାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
हरियाणा पंजाब ये जो राज्य गुड़िक रही ये हूँ कृषि प्रधान राज्य तेणु बर्तमान देखिए गोटे फसल कटा हाब कि नहीं पुणी आउ गोटे फसल से आरंभ हम तेणु सार कथा कोई कौटे केन्द्र शिक्षा मंत्री अधिक फोकस करते अधिक जोर देते जो ढंग से यूरिया और डीएपी ठार बर्तमान सब्सिडी केन्द्र सरकार जोगई देते तेणु आगामी दिन में सारर कौन अभाव रही राज्य मान खास कर उत्तर प्रदेश में सही ढंग से उज्ज्वला स्कीम को जेहेतु से पूर्व थे से विभाग मंत्री दायित्व थे तेणु उज्ज्वला स्कीम केनिफिट कर उत्तर प्रदेश वासी को खास कर जो ग्रामांचल जो लोक मानते जो मैंने पहाड़ अंचल गच काटी गाँव में अन्य गुड़ी गुड़े गच कटा तेणु उज्ज्वला केवल महिला को जी कहे श्वास रोग किसी रोग मुक्ति देती नुहे बर्तमान गोटे विश्व जो ग्लोबल वार्मिंग कथ कह गत प्रधानमंत्री या पर फोकस करते जी ट्वेंटी सम्मेलन ह्रास कर जथेष जी कह संभावना सृष्टि कर भारत बर्ष से उज्ज्वला स्कीम कहीं अनेक राज्य में बर्तमान गच को गोटे सुरक्षा देती उज्ज्वला स्कीम तेनाली निश्चित भाव जो केन्द्र सरकार प्रश्न जी ट्वेंटी सम्मेलन देखा तेज सारा विश्व आगे भारत निजर दबदबा देखाई प्रधानमंत्री अनेक गुरुत्वपूर्ण नेता सहित तो आलोचना कर जलवायु परिवर्तन तो गोटे प्रमुख मुद्दा निहाती भाव थिला किंतु तार भितर कोविड कटक कथा कहतु कोविड वैक्सीनेशन कथा कहतु यहाँ को नहीं कि भारत को विश्व स्तर में पुण थ प्रशंसा मिली राष्ट्र को देखा सहित अन्य राष्ट्र को प्रायतर हाथ बढ़े कोविड समय निज राष्ट्र टीकाकरण को त्वरान्वित करने सहित अनेक राष्ट्र को भारत टीका पठे आगामी दिन में मैत्री स्कीम भारत टीकाकरण को आहरी त्वरान्वित कर प्रधानमंत्री टीकाकरण को आहरी वृद्धि हो 15 कोटी पाखापाखी टीका आम विश्ववासी को जोगाई दबू तो निश्चित भाव ये गोटे भल मेसेज ग्रीन सिग्नल सारा विश्ववासी को प्रधानमंत्री आह्वान कर जो जो राष्ट्र अनुन्नत राष्ट्र जो मान विकास उन्मुखी है राष्ट्र गुड़ी को सहायतार आवश्यक पड़ू खास कर ये जो अदृश्य महामारी रही तेनाली निश्चित भाव अन्य राष्ट्र को आसवर आवश्यक रही पूर्व जिते आमेरिका गस्त जाते एक कथा जोर देते गत काल देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग कथा आसला कौटा कौटी चाइना टी बैकफुट रोचे कि भारत सब क्षेत्र में आग को जाऊँच कहीं भारत सरकार पक्षर राजी होते से प्रस्ताव में 2050 सुधा कार्बन डाइऑक्साइड किभली भाव संपूर्ण रूपे मूलोत्पाटन नहीं पार्ब कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्स जो से बाहर तेनाली किभली भाव मूलोत्पाटन करूँ ये डेडलाइन को चाइना बर्तमान चाहूँ 2060 पर्यंत आगे नापी समस्त कार्बन की भाई उत्तर प्रदेश में भी मोदी जो जनकल्याण योजना रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रशंसा करुले जी ट्वेंटी समिट रे भारत समेत प्रधानमंत्री को विश्व स्तर नेता मैंने प्रशंसा कर देखा मोदी फेरवा पर राज्य मुख्यमंत्री कोविड टीकाकरण को लेकिन वर्तमान आलोचना करेंगे जहाँ जनापड़ी बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही है दिल्ली अधिक अपडेट दौले तेज चिन्मय परवर्ती खबर कौन रही परवर्ती खबर हिसाब से कमलाकांत आम नौचे 46 पंचायत को छुईना ही मोबाइल नेटवर्क ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर हिसाब से प्रकाश पाई खबरकगज जे खासकर कलाहांडी जिला को फोकस करा जाई जे जेतबले सरकारी ठू बेसरकारी सब स्तर में पेपरलेस काम आह्वान देउछंती सरकार किंतु सत को सत सिंगल क्लिक रे संपादित होउछि बहु बड़ बड़ काम हेले आदिवासी अधिसूचित जिला खासकर कलाहांडी जिला रे ऑनलाइन व्यवस्था चित्रपट किछि भिन्न रहिछि जे जिलार बहु उपांत अंचल को एबे भी मोबाइल नेटवर्क अपहुंच रहिछि फल से अंचल गुड़िक विकास रे बड़ बाधक साजुच्छे एही मोबाइल नेटवर्क समस्या जमती कि खास करी कमलाकांत आप जानते से बैंकिंग सेक्टर कथा कहतु आपोसी कम पर मोबाइल नेटवर्क ये हूँ वर्तमान भी चिन्मय जदि बिना मोबाइल किभली काम करहब ता तो भाबीबा भी संभव पर नहि तो कारण आपण देखंतु मोबाइल नेटवर्क एवं या सहित इंटरनेट जो कथा कहचे स्पीड जे 4G डाटा आमे यूज करूचे ये सब को स्तर रे पहुचलानी किंतु अनेक स्थान रहिछि जेउठी मोबाइल नेटवर्क नहि आपण चाहिले सेठी कम्युनिकेशन करि परिबेनि आपण को एम्बुलेंस दरकार किबा किछि भी जदि आवश्यक रहिछि आपण मोबाइल रे जदि नेटवर्क नहि ताहाले आपण संपूर्ण बाह्य जगत रु बिछिन आगुरु आमे देखिछि जे रास्ता नथिले गाड़ी नथिले ये सब समस्या हुए किंतु वर्तमान नेटवर्क एक प्रमुख समस्या जे प्रमुख गोटे
ଉପକରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ, ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ 46 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ଆସୁନି ଇଏ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଏ ବାବଦରେ କେହି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏ ଖବରଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି 310 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଭାବରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ କଥା ଏଠୁ ତ ସତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଯୋଉ 46 ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତ ସେଠାକାରେ ଲୋକମାନେ ରାମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଦନପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ରାମପୁର, କଲମପୁର, ଏମ୍ ରାମପୁର, ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାସ କରିକି ହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବିଛିନା ଅଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଦିନେ ଯୋଉଟା ଦରକାର କୌଣସି ବି ସରକାରୀ କାମ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ସରକାର ବାଛିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛେ ପିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେମିତି ଯାଇକି ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଦେବ, କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଏ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳା କାନ୍ତ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖବର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ। ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ମିଳନୀ COP26ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କରିପାରନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ସହ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 10 ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର, କଟକଣା ମାନି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରୀ ମମିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଯାଜପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିବ ବିଜେପି। ଉଣେଇଶହ 1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ, ଆଜି ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଜୟ ମଶାଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ। କୁପୋଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦମାଳୁଗା, 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 17 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଗାଁର ଇନ୍ଦୁମତୀ, ବିଡ଼ମ୍ବନା ନିଜ ଘରେ ନୁହେଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଇନ୍ଦୁ, ଦମଳା ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁନି ବାଳକର କ୍ରିକେଟ ନିଶା ନିଆରା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ଧା, ସବୁ ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର, ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ରିକେଟର ଆଡଭିକ ଜେନା। ନିରାଶ କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠୁ ଭାରତ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଭାରତକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା କ୍ୟୁଏ ଟିମ୍,
मौलिला टीम इंडिया रो सेमीफाइनल आशा। हेडलाइन्स तो देखिले तेज द्वितीय पर्यायर आम सहित जन अतिथि जोड़ी था तेज आज जी अतिथि रही विषय टे कहतु कारण निहाती भाव में जो मैंने दर्शक देखते सतेज सकाल सकाल निहाती भाव सतेज हो एक ग्यारंटी निश्चित भाव में कमलाकांत आम दर्शकों सकाल को सतेज करने प्रत्येक दिन नुआ नुआ अतिथि आसती आज अतिथि अच्छा स्मृति रेखा खुंटिया मिस इंडिया टूरिज्म 2021 रो जे विजय ने राजस्थान जयपुर रे अनुष्ठित प्रतियोगिता रे 20 जन को पछारे पकाई विजय मुकुट पिंधि छंती स्मृति रेखा आज हम गहण रे छंती स्मृति रेखा तांको आउल देरी करबानी स्वागत खूब शीघ्र करबा जे मैडम आपन को हमरे सत्य सकाल कार्यक्रम को स्वागत जडाइबो एवं केमति अछंती मु बहुत भल अच्छे आपण मैंने केमती अच्छा मुझे आपन को सब बड़े टीवी रे देखे एंड आई एम सो ब्लेसफुल कि आपण मान सहित ये अच्छी ना ना मैंने एक्चुअली कौन कि यहाँ तो आम प्रफेसन कि आप बाय पैशन एत आग को जापार मिस इंडिया चार्मिंग आपण को जो टूरीजम 2021 विजेता होती खूब खुशी लगुच खासकर पूरी झील ओडार झीलों पूरी कथा जो आसे से कल्चर कथा आसे आब सुंदर लगला जे मैडम आप देखु मॉडलिंग आपत फैशन मानने गोटे सुंदर भाव में परफॉर्मेंस करुवे शो करुवे कि आपणकर ये ओडिशार हैंडलूम शाढ़ी आप पिंधिक आसूब सुंदर लगे आपन को देखिकी जे आप संस्कृति को सेमती बजाय रखी थैंक यू सो मच एक्चुअली मत शाढ़ी बहुत भल लगे जेहेतु मुझे गोटे फाइन आर्ट एंड बुडोर मॉडल तो लोक मान गोटे चिंताधारा मोप रही जाए कि मानने सब बिकिनी देखा देवी बाय द टॉपलेस देखा देवी कि आदौ नुहे मुझे गोटे ओडार झील एंड ओडार अगर झील गोटे कहते कि नारी सुंदरता शाढ़ी बढ़ाए तो मतलब शाढ़ी पिंधा को बहुत भल लगे मुझे भी अकेजन हो बाबा जब मत कहते ड्रेस कि मम्मी की कहबी कि मम्मी बाबा को कह टे टा दे गोटे भल शाढ़ी कि निश्चित भाव में खूब सुंदर लगे आगे पचार स्मृति रेखा मैडम को स्मृति टे कहते जो मुकुट पिंधे से स्मृति कही दिखाँ आगे पचार जो दिन तो मानते जर्नी मोर बहुत भल था मानते इजी समस्त को लगे ये जर्नीटा बहुत इजी किंतु जी से सफर करके जाए से कठिन थाए तो मानने पेरेन्टाल सपोर्ट तो मोर थी से ब्लेस थी बट मानने ब्री फ्रांक मुझे कहबि कि फाइनेंशियल सपोर्ट मोपाई नाला बिकज मो पापा जड़े रिटायर्ड पर्सन बैंक रु तो मुझे भी इंडिपेंडेंट नुहे कि जोबले मुझे स्ट्रगल करी एंड जितेबाला मो ना से अनाउंस करागला एंड तले सब मिसेस मिस्टर कैटेगोरी जूरी मेम्बर एंड जी मानी से सहित सब पेरेंट्स मैंने आसते से मोर ना से स्मृति स्मृति मानते विनर रहा पूर्व से मो नाटा को सीटे जोर से चिल्लाते एंड मुझे से मत हार्टबीट भी मोर पूरा शहे शहर बढ़ी जाइए कि कौन हम कौन ना फाइनाली क्राउन जितेबाला रखाला मुझे मानी राजेश रंजन सार भी सेठी थी मो रीजनाल डायरेक्टर मुझ सार को थे देखिली एंड मोर बेस्ट फ्रेंड बबिता सावर सी भी जड़े मॉडल से आज जूरी मेम्बर थे एंड मत इच्छा होता कि स्टेज तौल को जाकि सार को आपको कुंडे की धरिके कांदीपाई कि मानने मोर कांद आ खुशीटा पूरा मिसी ही जाता एंड मुझे बहुत खुशी कि पूरी भाई गोटे छोट जिलूर जाकि क्राउन आनी कंजरवेटिव मानने प्लेस रू जा मुझे से बहुत खुशी अच्छे निश्चित भाव में कि मैडम ये टी ब्रेक करी पूरी के छोट नुए जो महाप्रभु सारा विश्व दरबार रे पुरी को समस्त जानी आमे ओडिशा को लोक एथिपाई जानते पुरी पाई और दैट टू जगन्नाथों पाई तबे निहाति भाव रे मैडम आम जी जानी जे आप जड़े जर्नालीजम स्टूडेंट तो जर्नालीजम जर्नालीस्ट हेपाई इच्छा न हो कि पूरा मॉडलिंग लाइन को केमती गले हुए तो आप चाहते एंकरिंग करते एक्चुअली मोर इंस्पिरेशन होती प्रियंका चोपड़ा एंड सुस्मिता सेन मिलेन सोमान मुझे छुआ थी से प्रियंका चोपड़ा मिस इंडिया पर मिस वर्ल्ड रो भी मानते क्राउन जीति एंड बैक टू बैक मैगजिन मो घर को पापा मैगजिन ही मगाती हिंदी तो मुझे बैक टू बैक सब आर्ट्स देखिले एंड से मत इतने सुंदर लगे तो मुझे से मोर गोटे माइंड सेटअप थी कि मुझे भाई मैगजिन आसबी एंड गोटे बिटर ट्रुथ कौचि मानने आईएम से पढ़ू ओनली फैशन एंड मुविज उपर ही बेस स्टोरी बनाऊली तो मोर गोटे फ्रेंड से तो से कहे तू किसी करें मुझे जानी मो पटर से बाहरी गल कि
ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏମିତି ବନେଇବି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସେମିତି ବନେଇବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଛୋଟ କରିକି କହୁନି, ଆଣ୍ଡ ସେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗରେ ଥିଲି ବୋଲି ତୋତେ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ମୋର ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ପାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଆଜି ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଓର ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, ତେବେ ଘରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ତ ସେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍, ମମି ହେଉଛି ମୋ ମମିଙ୍କୁ ବି, ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ମମିଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସିଏ ପୁରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତା'ର ପୁରା ଗୋଟେ ସୌକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମମି କି କହିଲି କି ମମି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଅଛି, ମୋ ମମି ପୁରା 6:30 ମାନେ ଟିଭି ଅନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ ମୁଁ 9:00 ଆସିବି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ 6:30 ଲଗେଇଛୁ? ନା ନା, ତୁ ଆସିବୁ। ଦେନ୍ ମୋ ମମି ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ, ସେ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କୁହନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଆସିବ ଦେଖିବ, ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ଦେଖିବ ଲାଇକ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୋ ମମି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ମମିକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୋର ଏଇ ପ୍ୟାସନ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇଥିଲେ କି ସେ ନାଁ ଖରାପ କରିବ, ନାଁ ପକେଇବ। ଦେନ୍ ମୋ ମମି ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ଦିନେ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ମମି ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛୁ, ଦିନ ଆସିବ ମୋ ନାଁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ମମି ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା, ସେ କଥା ହିଁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟର ଟ୍ରୁଥ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ମମି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ବି ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ପଦ ଆଜି ଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ମୋ ମମି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ନକଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋର ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାପା ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ ମୋ ପାପା ହିଁ ସପୋର୍ଟର, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମା ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ ନିଜ ପଟକୁ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ରହୁଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନି, ଯେଉଁଟା ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଇତିହାସ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ କଟୁ କଥା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଖରାପ କହିନଥାନ୍ତେ ତ ମୋର ଜିତ୍ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଖାସ୍ କରି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି କିଏ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ କି ପ୍ୟାସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁବ୍ ହଁ ମାନେ ସୋସାଇଟି ଥାଏ ଯେଉଁକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ ସିଏ ଆଜି ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ, ହୁଏତ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ସମୟ। ଚିନ୍ମୟ ଆମ ସହିତ ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଲେ ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଜିତିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା, ପ୍ରେସର୍ କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରେସର୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଜୁଲାଇରୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଜୟପୁରରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମର ଯିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ମ୍ୟାମ୍, ମାନେ ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଏତେ ଆମ ସହିତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛୁ, କ୍ୟୁ ଇତନି
स्ट्रेस में हो क्या? कुछ नहीं, ये पेजेंट है, तुम्हारे घर लोग हैं हम, क्यों ये सब तुम्हारे भाई बहन जैसे है, तुम्हारे दोस्त लोग जैसे है, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? तो मैंने इसे गोटे जो मोटिवेशन तर कोऑपरेशन बहुत भल था एंड राउंड थिला इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू राउंड देन जडाक साउंड को प्रेजेंट करिबा राउंड देन गोटे वेंटेज राउंड थिला टैलेंट राउंड थिला एंड टैलेंट राउंड रे मु योगा करी एंड किछ पोस्चर्स एंड सायरी कहिथिली तो मते से योगा पोस्चर्स में मते फिटनेस क्वीन रो क्लासेस भी मिली थिला देन तापर बिकिनी राउंड्स थिला एंड एमती सब प्रकार गिफ्ट एक्सचेंज राउंड थिला एंड मोर गिफ्ट जोटा थिला मु हैंडमेड मते डीआईवाई बनेबा पे बहुत भल लागे तो मु किछि रिफ्यूज बेंगल्स एंड वूल रे हैंग माने ड्रीम कैचर बने कि देथिली एंड मोर कांसेप्ट थिला कि सपोर्ट योर लोकल वेंडर एंड सपोर्ट ए स्मॉल बिजनेस जोटा कि सेठिकार जूरी मेंबर जजेस एंड मोर जेतिकी जण मिस्टर एंड मिसेस कैटेगोरी रे थिले समस्तंकु सेटा बहुत पसंद आसीथिला एंड सेथि पई भी मते बहुत तारीफ मिलथिला एंड मैडम सायरी कथा कहथले किछ मन अछि सेठी जोटा कहिथिले हां त टिके हम दर्शक मानु टे सुने देबे टिके मोरो सायरी थिला लाइफ को ने के खिलौना खिलौने के लिए हम सब बचपन में बहुत लड़े होंगे न जाने कितनी बार पापा से रूठे होंगे बाजार जाने पर पापा से कितने बार बोले होंगे कि पापा बाजार से लौटते वक्त खिलौना लाना वरना बात नहीं करूँगी लेकिन पता नहीं था बड़े हो कि किसी दूसरे के हाथ के खिलौने बन जाएंगे अगर पता होता कसम उस खुदा के खिलौने तरफ कुछ भी मुड़के भी नहीं देखते बहुत सुंदर थिला और माने प्रैक्टिकल भी सब जनकर कहानी आपन बेसे भल करथिले निश्चिंत भाबरे खूब सुंदर आउ सब झियन हुए कमलाकांत एटी पुओ मानकर कहानी भी अछि हला समस्त समय रे स्रोत रे बंदा आ समस्त समय सहित ताल दे चलबा पई चेष्टा करती हुए तो किछि डोमिनेटिंग पर्सन को द्वारा के डोमिनेट होय थई पारे किबा भगवान एमिति सिचुएशन मध्ये क्रिएट करती जति पई कि आपण मध्ये तांको इशारा रे मध्ये पड़े निश्चिंत भाबरे किंतु कमलाकांत खाली कहबेनी जे झियो माने कॉम्प्रोमाइज करती झियो माने बहुत कॉम्प्रोमाइज करू निश्चिंत भाबरे स्मृति रे खा जानबा पई चाहिए खास करी जो कथा आपण कहिले जे आपण जो दिया बनेथिले क्राफ्ट रो सेटा बेसी जूरी मेंबर मान को भल लागथिला ये गोटे रीजन थिला ना आउ किछि रीजन थिला जोति पे आपण को ही सिलेक्ट करा गला अनेक आसीथिबे पार्टिसिपेट करथिबे कंटेस्टेंट एक्चुअली माने मु फर्स्ट इंटरव्यू राउंड टिके नर्वस हे जायथिली एथि पई कि मते ठंडा बहुत हे जायथिला क्लाइमेट चेंज हेथिला पानी चेंज मु ठंडा पानी पीले मोर संगे संग देह खराब हे जाय मोर वॉइस सेटी टोटली माने फ्लुएंट नथिला तो देन मोर सेटी टिके डाउन हे जेथि देन सेटा जूरी मेंबर जने थिले से बाहर को सी कहले कि मामा क्या हुआ है तुम इतनी डाउन क्यों मैंने बोला कि नहीं मैम एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है तो गला बैठ गया ना कुछ नहीं होगा तुम्हारा गला बैठ हुई तो क्या हुआ तुम बहुत अच्छी लग रहे हो एंड जब मैं मैंने मुझे जितना बड़े भी गोटे नुआ नुआ ड्रेस पिंधिक मुझे एवरी कनसेप्ट मोर ड्रेस चेंज करू थी एंड मुझे जितना बड़े भी ड्रेस गोटे चेंज करके आसूली एवरी वन मैंने मत ही देखुले एंड सेठी जितकी जन भी जोडाक साइन को रिप्रेजेंट करू थे सबुठ जोडाक साइन कनसेप्ट एंड ड्रेसअप मोर ही बहुत भल था जोटि कि सेठिकार मानने राजस्थान लोकाल मानने जितकी न्यूज चैनल आसते कवरेज करने से ओनली मो पिक्स नौले एंड मोर मैंने बैट्स नौले जोटा कि मैंने मोर रीजनाल डायरेक्टर को बहुत पसंद आसाला एंड से पर्सनाली आसिक मत कहते कि यू लुक भेरी ब्यूटीफुल इन योर जडाक साइन राउंड तो मुझे कही देन मैंने मोर गोटे कन्फिडेंट थी कि जदि मो पर्सनल राउंड रे माने किछि माने टिके कमी रहिगला देन मो टैलेंट राउंड रे किछि डिफरेंट करबी तो मो टैलेंट राउंड रे समते से गीत नाच करूथिले बट मो डिफरेंट कली मो योगा कली एंड सायरी कहली जोटा दुई तीन टा सायरी कहितली जोटा रे कि माने सब माने बेसी जो पिल्ला माने थिले से माने पूरा क्लैप्स करथिले एंड से मानको खिलौना गोटे मेरी पापा के ऊपर गोटे थल थिला तो सेटा से मानको बहुत पसंद आसीथिला देन तापर बिकिनी कांसेप्ट रो मोर थिला जोतरे कि माने मो सबू मॉडल्स मानकर 5 to 10 minutes हाफ एन आवर लगे जाऊला बट मोर विदिन 5 minutes मुझे मोर शूट कम्प्लीट कर देती एंड एव्री पिक्चर्स मोर बहुत भल आपर थिला गिफ्ट राउंड देन विंटेज राउंड रे थिला कि हमको क्वेश्चन पचरा जाए थिला कि नेक्स्ट 5 years आप कौन करवा चाहते एंड आप निजक कौटी देखा चाहते देन से भी मोर आंसर टाइम समस्त डिफरेंट थी अच्छा से आंसर कौन थी मत पचरा जाए कि नेक्स्ट 5 years मुझे निजक कौटे देखा चाहूँगी तो नेक्स्ट 5 years रे मु मो निजो को एवरी होर्डिंग रे नॉट ओनली ओडिशा मु ओडिशा बाहर निजो को प्रतिष्ठा करबा को चाहूची एवरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी एवरी आर्ट शूट एंड एव्री होर्डिंग रे मो निजो को देखबा को चाहूची एंड मो निजो को गोटे एमती पर्सनालिटी रे माने बनेबा को चाहूची कि लोक माने मते सब गोटे एग्जांपल दियंतु कि झियो हब तो स्मृति भली ही हब एंड मु फुडोर एंड फाइन आर्ट मॉडल तो ओडिशा रे एही कांसेप्ट को केही फॉलो करंतिनी एंड मोर गोटे इच्छा अछि कि मु
ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ମାନେ ସେଠି ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବି କି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ ବି ଏଇ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଡୋର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବହୁତ ଜାଣିନଥିବେ, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଣ୍ଡ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ବନାଯାଏ, ସେଠି ଓନ୍ଲି ଆମର ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆମ ଫେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ମାନେ ଟପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆମର ସେଠି କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼େସ୍ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରପର୍ ବିୟୁଟି କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇଠି ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ୍ ବୁଡୋର୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତାର ନିଜର ଇନର୍ ବିୟୁଟି, ସେ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କେମିତି ବିୟୁଟି, ଗୋଟେ ୱାସରୁମ୍ରେ ସେ ତାର ନିଜର ବିୟୁଟି କେମିତି ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ NRI ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପରେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଗ୍ନୋର୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍କୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାସରୁମ୍ରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ୍ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୁ? ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିଲିଭ୍ ୟୁଆର୍ ରିଏଲି ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ୟୁ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡେସ୍। ଦେନ୍ ତ ସେ କହିଲେ କି ତ ସେବେଠାରୁ ଏ ଫଟୋଟା ଏତେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଥିଲେ, ତ ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗୋଟେ କଭର୍ ପେଜ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ୱାଇଫ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ୍ ଦେନ୍ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ବୁଡୋର୍ କନ୍ସେପ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେଉଥିବେ, ମେ ବି ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଳା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆର୍ଟ ଅଛି। ତ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ହଉ କି ବୁଡୋର ହଉ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ଏତେ ଭଲ କି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାର ମଡେଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଆର୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଆମର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବୁଡୋର ଆଣ୍ଡ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟର ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ୍ ଆମର ମାନେ ବାହାରର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ସ୍ମୃତିରେଖା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସୋ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, ଗୀତ ହଉ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ନା ନାହିଁ? ଆସେ, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି କେମିତି ଗାଆନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ହଉ ଆଜି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ। सांसों में तुम पहली नजर में हो यारा, दिल में हो तुम सांसों में तुम पहली नजर में हो यारा, ये इश्क की है साजिश है साजिश है। बस लोहा मिले फिर दोबारा, ओके फिर दोबारा, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତେବେ ସ୍ମୃତିରେଖା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଟିକେ ସୋ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମାନେ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଯେ ତାର ପଛର ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୋତେ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମାନେ ଆସିବାର ଅଛି, କଞ୍ଜାଲଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ସନର ଆଣ୍ଡ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବାଇ ସ୍ଥିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ସାର୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ବାଇକ୍ ସିନ୍ ଅଛି, କିଛି ଜିମିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭଳି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଓନ୍ଲି ପୋଲିସମାନଙ୍କର ହିଁ ଦେଖୁଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିକ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଶିଖିବାରେ ହେଇଯାଇଛି, ଅବସ୍ଥା ଅପିଟି ହେଇଯାଇଛି ଯାଇକି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲେଖା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମଡେଲିଂରୁ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଂ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ, ଏଇଟା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଇଜିଲି ଜଣେ ଏଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ପିଓର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମଡେଲିଂ ଆପଣ ବାସ୍ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଗୋଟେ ପୋଜେସ୍ରେ ବସିବେ, ମଡେଲିଂ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ମାନେ 3-4 ସେକେଣ୍ଡ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ପୁରା ବ୍ରିଦିଂ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଟିଲ୍ ଫଟୋ ନ ନେଲା ଯାଏ। ଆଣ୍ଡ୍ ଫଟୋ ଭଲ ନ ଆସିବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବାଇସିବେ ଆପଣ ଟିଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପରେ। ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ରିଟେକ୍, ଦେନ୍ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଯିବ, କ୍ଲୋଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ସାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ 5-6 ଥର ସେମାନଙ୍କର ଯାଉଥିବ। ଆଣ୍ଡ୍
गोटे आक्ट्रेस जी कष्ट न करे से टीम मेम्बर मैंने बहुत किसी कष्ट करती तो मानने मुझे कि मानने आक्टिंग लाइन टा मैंने मोपाई तो इजी ना मुझे फर्स्ट वेब सीरीज कली आमर मानने जी डायरेक्टर थे मोर तो सी मुंबई थे तो सी पूरा तले बसिक मत स्क्रिप्ट पढ़ी शुणुते मुझे शुणी शुणी ही मैंने कहूली एंड सी मत लास्ट को कहले कि मैं आज तक किसी भी आक्ट्रेस को ऐसे नीचे बैठ के नहीं स्क्रिप्ट सुनाई हूँ तुम अच्छे लगे यू आर ए वेरी रियली नाइस पर्सन इसीलिए मैं तुम्हारे पूरा मतलब मानने एमती पूरा राउंड रूम थिला अमर मानने पूरा मिडिल जाए जाऊला तो सार पूरा मो गोड़ तले बसिक मतलब शुणुते एंड मुझ सरला कहल कि सार को नमस्कार कल तो सी मत मुंडा हसिक कहले कि तू बहुत आगे तक जाएगी पहली वेब सीरीज इतना अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है एंड मोर किसी किस सीन भी थी एंड किस सीन गुड़ा तो ये भल करुच्छे गोटे एक्सपीरियंस गोटे मैंने लगुनि कि तू ओडिशार झील बोली तू बहुत आगे तक जाएगी एंड मत से गोटे जिनस ही मत जहाँ भी वेब सीरीज आस मना करूनि बिकज बहुत आगे तक जाएगी कथाटा मानने मत बहुत मानने खुशी लगी निश्चित भाव हार्ट को टच कर तेज आग को कौन लक्ष्य रही आग को मोर लक्ष्य रही कि गोटे बहुत भल मनीष होगा चाहूँगी जमी कही कि मत लोक मैंने आग को गोटे उदाहरण हिसाब से नियंतु कि झील हम तो स्मृति भली हम एंड मोर बहुत इच्छा अच्छी कि मु निज मम्मी बापा को निज पाखे रखी एंड गवर्नमेंट तो मैंने बहुत किसी करुच्छी ओल्ड एज मान भगवान जदि मत से आशीर्वाद देवे तो जो ओल्ड एज मान पाने बाहर को बाहर करदे मुझे मो निज पाखे रखी तीन घर बनैबी कि सी मो मम्मी बापा सांगे मो सहित गोटे माँ बापा हिसाब से रुहतु जब भगवान से आशीर्वाद करेंगे तो मोर ये ड्रीम अच्छी कि गोटे ओल्ड एज होम खोल भल चिंताधारा तेजय आम मॉडलिंग कथा तो बहुत कथा जानले तबे मॉडलिंग सहित तो फिटनेस गोटे बड़ था रिलेशन थाए तो आपण भी टिके कह दिं सेयार कर दिंतु जे आपण केमती निजो फिट रखती डाएट केमती कौन करती टिके जो माने नुआ मॉडलिंग रे जाउचंती से माने निहाती इंस्पायर हो मोर फोकस गोटे जिनस मोर माइंड सेटअप 20% वर्कआउट एंड 80% फोकस ऑन योर डाइट आपण पानी प्रचुर पियंतु एंड गोटे जिनस सब मन रखत कि थंडा पानी रे गाधेबे एंड गरम पानी पीबे एटा माने नख उषुम पड़े पूरा गरम पानी नहीं नख उषुम पानी मोर डाइट गोटे नॉर्मल डाइट मु सकाळे उठिले हल्का गरम पानी लेंबू माने मोर पिए देन ब्लैक कॉफी मोर ब्रेकफास्ट ओट्स नहीं तो अंडा ब्रेड नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स मु खाए देन मोर माने ता भितर जदि भूक भूक लागे तो मुझे किसी जूस वगैरह पी दिए ना तो चॉकलेट गोटे खाए दिए देन तापरे मोर लंच टाइम से रुटी डाली संतुला देन डिनर रे भी मोर से बहुत मुझे आठटा पूर्व सब मन रखिए आठटा पूर्व ही डिनर कम्प्लीट करवाई एंड डिनर पर भी जब आपको भोक लगुच आपर गोटे कप क्षीर पीक शोबे से बहुत भल एंड जब आप वेट लस करा चाहूँ तो ग्रीन टी एंड आपल साइडर विनेगर विथ वार्म वाटर डेली राति एंड सका खाली पेटर पीवु ये बहुत भल कम दब एंड सब कह कि आपड़ी वर्कआउट करने को टाइम न पाँच योगा करूँ आप खाली टाइम घर बसुँ टी देखुं से टाइमिंग आप योगार किसी इजी पोस्चर एंड पोजिशन करूँ लिफ्ट छाड़ी सीढ़ी में जवास करूँ पाख जगह को हेले बाइक किंबा कार न नहीं चली चलिक जातु एंड म्यूजिक शुणिक नाच कूद आपको जहाँ भी करार अच्छे घर फ्री टाइम करूँ आप निश्चिंत फिट रहेंगे खूब सुंदर कथा कहले जे आज जो मैंने फिटनेस खोजुए टीप्स निश्चित भाव में पाई थे मुझे बेसिकली फॉलो करी नहीं नहीं बहुत सुंदर ना टे फिट रहा दरकार तो से लगी ये गुड़ाक सब फॉलो करा पड़ो कारण बयस बढ़ा सहित ये सब धीरे धीरे कमी कमी आसे से सब जब बर्तमान ठूँ आम स्टार्ट करे तो निहाती गोटे गुड हेल्थ आमर र बहुत सुंदर लगला मैडम आज आसिले आप सहित कथे आम दर्शक मान सका आहरी सतेज कले कारण आशा करूँ जहाँ आप सब सेयार कर दर्शक मैंने शुणी देखुए और खूब सुंदर भाव में सब कुछ ग्रहण करेंगे खासकर फिटनेस को तो समस्ते गुरुत्व देते कारण बर्तमान समय फिट रहा निहाती दरकारी कारण समस्त निजर स्वास्थ्य प्रति सजग सजग रहा दरकार खूब सुंदर लगला स्मृति मैडम आम सहित आसिले आप गुरुत्वपूर्ण समय दे आम दर्शक सका आगे सतेज कले नमस्कार आपण मानक भी बहुत सारा धन्यवाद कि आपण मैंने भी आपत मूल्यवान समय मत एंड मु सब दर्शक मानक नमस्कार करुच्छी एंड मोर ये क्राउनटा मुझ सब सी झील मान डेडिकेट करुच्छे जो मैंने आज स्ट्रगल करुँच मॉडलिंग फील्ड में एंड लास्ट को गोटे कथा कहवाक चाहेबी कि क्राउन केवे डिसाइड करेनि कि आपड़ गोटे प्रिन्स कि क्वीन बोली आपलरेडी गोटे प्रिन्स एंड क्वीन आपर फ्रेंड सर्कल निज मम्मी पापा मानक तो केवे भी निजक कम भावतुनि बी लाइक ए क्वीन एंड work like a queen.
खूब सुंदर कथा कहले स्मृति रेखा मैडम से बोधे से क्राउन जीती ब्यूटी कथा छाड़त ये जो सुंदर कथा गुड़ी सुंदर कथा गुड़ी कहीं कि मन किणी नौ से तो मुझे देख ली जो आप बहुत सुंदर लगे तेज कमलाकांत जमीक आम सत्य सकाल सब सेगमेंट सरी जा अतिथि आसते सहित कथे कि समय इशारे आम सब बधा समय सर आज सत्य सकाल को ये रखुचु नमस्कार नमस्कार।